तो भाई साहब आज मेरे पास है ये कैसेट, जिनको नहीं पता कि ये क्या होती है, ये जब पुराने जमाने में जो रेडियो थे ये उनके अंदर लगाई जाती थी, जिसकी वजह से सॉन्ग क्वालिटी वगैरह जो है वो रेडियो में बजती थी। इसके अंदर जो होती है रील होती है, ये दो आप जो है पुली यहाँ पे लगी हुई है देख सकते हैं, एक छोटी है एक, तो इस कैसेट को अंदर लगा देते थे, फिर जब सॉन्ग चलता था तो ये जो बड़ी पुली है इसके ऊपर जो रील लिपटी हुई है वो यूँ घूमते थे दोनों व्हील, और ये यहाँ से आके इसके ऊपर रैप होना शुरू हो जाते थे, जिसकी वजह से जो गाना है इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, जिसकी वजह से रेडियो रीड कर पाता था और गाना हम सुनते थे। तो गाइस आज इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, आप ये नीचे देख सकते हैं हमने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर रखा है इन कैसेट्स का, तो आज हम जो इन कैसेट्स का पहाड़ है इनका मुकाबला करने वाले हैं इस खुदान के साथ। ये देखें इस खुदान को इसके इनके ऊपर चलाएंगे और देखेंगे कि क्या कैसेट जो है वो खुदान के आगे टिक पाती है या नहीं। तो वीडियो ही बड़ी मजेदार होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं आज के मजेदार वीडियो। तो गाइस हमारे पास जो इतनी कैसेट्स आ चुकी हैं इनमें से हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि यूं कैसेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे यूं इस तरह से, और फिर जो है इसके ऊपर से यूं खुदान मारेंगे, फिर देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। बाकी कैसेट्स जो है उनको हम रख देते हैं साइड पे फिलहाल, उनके साथ दूसरे तरीके से खुदान चलाएंगे, ये इनको रख देते हैं हम यहाँ साइड पे, और ये हमने फिलहाल तकरीबन चार रख लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर चलाने वाला हूँ खुदान और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये आ चुका है मेरे पास खुदान, अब मैं इसको इसके ऊपर मारूंगा और देखते हैं। ओ भाई साहब ये देखिए, ये जो कैसेट्स हैं इनका ही यहाँ पे आप हाल देख सकते हैं, यहाँ कोने पे लगी है, और ये गाइस ये होती है इनके अंदर रील जिसका मैं आपको कह रहा था, ये देखें। ओ भाई साहब एक दो तीन और चौथी जो है वो वहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे इसकी ये जो आप देख सकते हैं अगर आपको नजर आ रहा हो ये जो रील है ये देखें, इसकी पूरी जो यहाँ से है ये सारी काट चुकी है। ये हमारे पास चार कैसेट्स आ गई हैं, ये देखें इसके अंदर ये इस तरह के जो है रील आती है, ये यूँ इस तरह की, उनको जो कोने पे लगा है ये देखें, सारों के जो है कोने, मैं समझ रहा था कि शायद सेंटर में लगेगा लेकिन यहाँ पे कोने में लगा है, फिर रख के देखते हैं फिर आप इनके सेंटर में मारेंगे। ये मैं रख रहा हूँ और यहाँ पर आप ये हाल देख सकते हैं, एक यहाँ पर हो गया छेद, एक यहाँ पर हो गया, आप जल्दी जल्दी इसके ऊपर रख लेते हैं और आप फिर ट्राई करते हैं। अब इस एंड से मारूंगा मोटे वाले से, 1 2 3 और आप गाइस गए, आप खत्म, अब सब कुछ गया। ओ ये देखें वो उसका जो है ये देखें, ये इसका जो पुली है रील वाली यू के, और बाकी आप ये हाल देख सकते हैं यहाँ पे, ये इनका तो कचूमर बन चुका है बिल्कुल ही। बाकी जो है यहाँ पे हमारे पास ये देखो ये बड़ा व्हील आ गया, इसकी यहाँ पे लगी है और ये एक ये निकल के आ गई है, ये देखें कितनी ज़्यादा। ओ भाई साहब गाइस ये है कुछ ऊपर का सीन, ये वाली जो है इसके अंदर तो कुछ नहीं बचे भी नहीं है, इवन के पुली भी नहीं है, बाकी यहाँ पे जो है टुकड़े वगैरह हुए हुए हैं। आप रख के देखते हैं चार पांच और उनको यूं मारेंगे, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो भाई साहब अब हमने कुछ यूं अरेंज कर लिए हैं और मैं जो है यहाँ पे खड़ा होकर यूं मारूंगा ताकि आगे दीवार पर जा लगे, ठीक है। तो आप ये लेते हैं और आप इनको मारते हैं, 1 2 3 और देखे ये जो कैसेट है ये तो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है, और ये इसकी कुछ पुली है, बाकी ये चार बची हुई है क्योंकि ये थी पीछे, ये जरा बच गई हैं, अब इनको सामने रख के इनके ऊपर फिर मारते हैं। ये मैंने नहीं खड़ा, आप फिर इस पे ऊपर मारते हैं, वन
1, 2, 3, 4 गई। इसकी भी ये देखें, ये ब्लैक वाली है, इसका भी यहाँ से जो है ये टूट चुका है, और दूसरी ये इसको तो सारे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। ये देखें, ये इसके अंदर जो सब कुछ है वो इसका निकल के बाहर आ गया है। बाकी आप उधर रीले चेक कर सकते हैं, आके दिखाऊं। ये देखें, ये देखें, ये हवा वो कितनी मजे की लगती है। ये देखें, अगर मैं इनको ऊपर फेंकूं, वाओ, ये मेरे ऊपर यहाँ पे खड़ गई। तो गाइस ये थी आज की मजेदार वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।